एक और भी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट को हज़ारों से लाखों कर दिया गया और जुडिशल अलाउंस को जो लाखों में थे अब वो मिलियन से ऊपर हो गए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। बल्कि पहला सवाल ही यही कर लेते हैं कि आज बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट को भी बढ़ा दिया, 68,000 से बढ़ाकर वो 3,40,000 कर दिया और इसी तरह से जुडिशल अलाउंस को भी बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्या मुल्क में वाकई इतनी खुशहाली आ गई है? बहुत शुक्रिया पराशर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व सहाबी वसल्लम। मैं उसूली तौर पे तो मैं इसके हक में हूँ कि आप अपने जजेस को, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज दें और उनको बहुत ही आप अच्छे तरीके से रखें ताकि वो हर तरह की फिक्र और परेशानी से आजाद होके यकसोई से फैसले कर सकें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के प्राचे साहब हालात हैं, जितनी दिगरगूं माशी सूरत हाल है, मेरे ख्याल में अगर इसमें हुकूमत थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती और थोड़ा वक्त लेके जब थोड़े से हालात बेहतर हों अगर पढ़ाते तो शायद वो मुनासिब कदम होता। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो हमारे मोहतरम नए चीफ जस्टिस हैं जनाब याह्या अफरीदी साहब और उनके साथ जितने भी काबिल हमारे जो जज साहबान हैं, वो इस पर ज़रूर वो उसको देखेंगे कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त शायद इतनी जल्दी इतना बड़ा इजाफा मुनासिब नहीं है। अगर आपने इजाफा करना है तो बतदरीज आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसूली तौर पे खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन got your point.